तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेमोरी कार्ड्स के बारे में। सिर्फ मेमोरी कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लास वगैरह होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास 10 वाले मेमोरी कार्ड सबसे अच्छे होते हैं, वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहे, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, आपके यूज़ के हिसाब से सबसे बेस्ट मेमोरी कार्ड कौन सा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नो इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो जब भी आप कोई एसडी कार्ड परचेस करते होंगे तो वहाँ पर आपको SDSC, SDXC या फिर कह लो SDHC इस तरीके से लिखा हुआ मिलता होगा। तो फिर ये किस तरह की भला है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो SDSC है इसका मतलब होता है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। इसके अंदर 4GB तक के जितने भी एसडी कार्ड होते हैं, 2GB, 4GB या फिर 128MB, 4GB तक के जितने भी एसडी कार्ड होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। उसके बाद में आता है SDHC, जिसे हम कहते हैं सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। यहाँ पर 4GB से लेकर 32GB तक के जितने भी एसडी कार्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं उसमें आपको SDHC लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। एंड फाइनली आता है SDXC, जिसे हम कहते हैं सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, जहां पर आपको 64GB या फिर उससे ऊपर जितने भी एसडी कार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे वो आपको SDXC वाली कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद एसडी कार्ड्स में आते हैं क्लास, क्लास 2, क्लास 4, कुछ इस तरीके से। एंड क्लास क्या होता है यह मैं आपको बताता हूं। क्लास जो है डिपेंड करता है किसी भी आपने जो एसडी कार्ड लिया उसकी स्पीड के ऊपर, लाइक उसकी जो रीड राइट स्पीड होगी, यानी कि आपके कंप्यूटर से एसडी कार्ड के अंदर कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, ले रहे हो या फिर दे रहे हो कोई भी फाइल, तो उसकी जो भी स्पीड होगी वो स्पीड डिपेंड करती है क्लास के ऊपर। अब क्लास में यहाँ पर एसडी कार्ड्स में आपको देखने के लिए मिलता है क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10, UHS क्लास 1 और UHS क्लास 3। अब क्लास 2 के अंदर जो आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है 2 MBPS की, क्लास 4 के अंदर आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है 4 MBPS की, क्लास 6 के अंदर आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है 6 MBPS की और क्लास 10 के अंदर आपको 10 MBPS तक की स्पीड देखने के लिए मिलती है। बात करूँ UHS 1 और UHS 3 की, तो ये काफ़ी हाई कैपेसिटी वाली क्लास होती है जिसे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो UHS 1 के अंदर जो आपको मिनिमम स्पीड देखने के लिए मिलती है, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपको मिनिमम स्पीड देखने के लिए मिलती है वो आपको देखने के लिए मिलती है 10 MBPS की, और UHS 3 के अंदर आपको जो मिनिमम स्पीड देखने के लिए मिलती है वो होती है 30 MBPS की। मिनिमम से कहने का मतलब इससे नीचे आपको कभी स्पीड देखने के लिए ही नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 100 तक की भी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर UHS का मतलब ही होता है अल्ट्रा हाई स्पीड, यानी कि आपको यहाँ पर हाई स्पीड देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं कि आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आपको कौन से क्लास का एसडी कार्ड परचेस करना चाहिए। भैया, आप शॉपकीपर के पास गए दुकान पर एसडी कार्ड लेने, एंड दुकान वाले ने आपको कह दिया सर ये क्लास 10 का मेमोरी कार्ड है, ये सबसे बेस्ट है, तो आप वही का वही थोड़ी नहीं उठा लोगे, आपके यहाँ पर क्लास जानना ज़रूरी है। तो मेनली देखिए, अगर आप कोई बेसिक यूज़ कर रहे हो, आप वीडियोज़, फोटोज़, गाने, सिर्फ इतनी चीज़ें शेयर करते रहते हो आंटी अंकलों की तरह, देन आप क्लास 2 या क्लास 4 की तरफ जा सकते हो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आप YouTube के लिए वीडियो शूट करते हो HD क्वालिटी में, लाइक 720 पिक्सल्स वाली क्वालिटी में, ज़्यादा साइज नहीं होता, देन आप क्लास 6 तक जा सकते हो, क्लास 6 या क्लास 10 के ऊपर। बट अगर आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, आपके पास एक DSLR कैमरा है, आप YouTube के लिए वीडियो शूट करते हो फुल HD में, फोटोशूट का शौक है, एंड आप फोटोज़ क्लिक करते रहते हो जो हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ होती है फुल HD वाली, देन आप वहाँ पर क्लास 10 की तरफ आपको मिनिमम जाना चाहिए, बिकॉज क्लास 10 सबसे बेस्ट है। एंड यहाँ पर आपको अच्छी खासी रीड राइट स्पीड देखने के लिए मिलती है। जरूरी नहीं सिर्फ DSLR, अगर आप स्मार्टफोन से भी एक हाई क्वालिटी वाली वीडियो शूट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्मार्टफोन से हमारे YouTube के लिए वीडियो शूट करता हूँ, तो उसके साइज काफी ज्यादा होता है 2GB, 2.5GB, तो यहाँ पर आपको क्लास 10 वाले एसडी कार्ड की तरफ ही जाना चाहिए। अब मैं बात करूँ अगर UHS 1 और UHS 3 वाले की, तो बेसिकली इसको देखिए बहुत ही प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। मान लीजिए अगर आप एक फोटोग्राफर है और आपको काफी ज्यादा महंगा काम होता है, यानी कि बड़े बड़े काम होते हैं, आपको बड़े बड़े शूट्स करने होते हैं, देन आप यहाँ पर UHS का यूज कर सकते हो, UHS क्लास 1 की तरफ आप जा सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपको लगता है आपको और ज्यादा फाइल्स की जरूरत है, यानी कि आपको और ज्यादा लंबी लंबी फाइल्स को शूट करना है, आपको लंबी लंबी जो बड़ी साइज की वीडियोस को शूट करना है, बड़ी फोटोज को आप क्लिक करना चाहते हो, देन आप UHS 3 की तरफ भी जा सकते हो। सो यार, फाइनली ये थी वीडियो, एंड आई होप अगर आप फ्यूचर में कभी भी माइक्रो एसडी कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड परचेस करने जाते हो, देन आप किसी की भी बातों में इस तरीके से नहीं आओगे, आपको सारी चीजें समझ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, बिकॉज इसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी मुझे अगर और जानना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।